जालिमों मोदी आ रहा है। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी इस कमिंग बैक दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। इन इलेक्शन में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से। मैं तो कहूंगा मोदी जिंदाबाद, दैट्स ऑल। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर, मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। मोदी तो मोहब्बे वतन है, साफ लफ्ज। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर है वहां डोंकी रेस हो रही है। जालिमों मोदी आ रहा है। मोदी इस कमिंग बैक दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे। 1 बिलियन पीपल अपना हक, हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उनको जिसका दिल चाहेगा वो उसको वोट देगा और वोट के जरिए अपनी नई हुकूमत लाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज्यादा हो चुकी है, उस कंट्री के लोग अब वोट करने जा रहे हैं, अपना वोट का राइट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिएगा कि इंडिया के इन इलेक्शंस में दुनिया इसको कैसे कवर करेगी, और हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा होगा और वो चर्चा होगा इंडिया के इलेक्शंस का। इस वक्त गार्डियन मेरे सामने ओपन है और गार्डियन इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिया टू होल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। और इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी इसकी स्टेजेस होंगी, कैसे कैसे जो है वो इसमें जो वोट कास्ट करने का तरीका क्या होगा, किस जगह पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किन स्टेट्स में कैसे वोटिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, सब डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन हर जगह पर हर कोई जो बात लिख रहा है वो ये है कि मोदी इज कमिंग बैक। इन इलेक्शन में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से। और इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जनाब, वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी बस समझो आ ही चुका है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो बात कर रहे थे इंडिया कॉन्क्लेव 2024, और उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि ही इज कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। लोग तो कह ही रहे हैं, दुनिया तो कह ही रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने खुद भी ये कहा है कि जालिमो मैं आ रहा हूँ। किसी ने ये कहा कि कहें जाहिलों में आ रहा हूँ, नहीं जनाब, हम ये क्यों कहें किसी को, हम तो कहेंगे वो मैंने आपको बताया था कि ये मैं क्यों इस्तेमाल किया करती हूँ। और बड़ा मेरा ये एक जो सेंटेंस है ये फिक्रा पॉपुलर हो गया है और इस पे बड़े लोग पसंद करते हैं कि जालिम मोदी आ रहा है। मोदी या उससे पहले जो भी थे तो उन्होंने ना अपने टेन्योर्स पूरे किए, वहाँ इंटरफेरेंस किसी इदारे की नहीं है, तो इसलिए जो इंडिया जो है ना इज मेकिंग प्रोग्रेस नाउ, वी डू नॉट हैव एनी कंपैरिजन विद द इंडिया। इंडिया अब हमसे बहुत, हमसे तो बांग्लादेश भी आगे निकल गए हैं, हमसे तो अफगानिस्तान की करेंसी भी बैठ रहा है। बल्कि मैं अभी एक दोस्त के साथ बैठा था तो वो मुझे डिस्कस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो अपना सोलर का पैनल सिस्टम लगाया ना, तो वो 25,000 मेगावाट वहाँ से बिजली ले रहे हैं, और ऑन द अदर एंड हम अभी बिजली का रेट फिर बढ़ा रहे हैं। तो हम एक्सक्यूज में उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, अवागा क्रॉस करें ना दोनों साइडों पर,
ये सोलर सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, बिजली भी सस्ती है, सब कुछ सस्ता है वहाँ, सब कुछ वो दे रहा है। तो वो अब हम उनके साथ हमारा जो मुकाबला या हम से बात करें कि जी वो बिजली और सोलर ये वो ये सब ऐसे ही है, कारोबार कारोबार हम करते हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत तफसील से बता दिया आपको कि हम ये फ्रूट है सुबह उसका रेट ये थे, कोई आदमी दूध भी नहीं मिलता बच्चों को, और डकैतियाँ क्यों जी, अभी गुजरांवाला में गाँव है कोई मेरा ख्याल जहाँ यानी एक ही दिन एक ही रात में डकैतियाँ हुई हैं, और यहाँ हमारे जो अदारे हैं वो इनाम दे रहे हैं अपनी पुलिस को, बहादुर पुलिस है हमारी। इसको छोड़ें कश्मीर में क्या है और मोदी क्या कर रहा है, कश्मीर में भी वो अपनी अभी इन्होंने ये कहा था कि हिंदू स्टेट बन रही है, वो बनेगी, वो बन चुकी है, मुसलमान आएँ या ना आएँ या रहें या ना रहें, जब सब कुछ मिलेगा। अभी इन्होंने रेट बता दिया आपको कि उनको आटा सस्ता मिल रहा है, उनको तालीम सस्ती मिल रही है, क्यों जी, उनको तालीम सबसे बड़ी आम बात है, और हमारे यहाँ तो तालीम है ही नहीं, हमारे नौजवान जो हैं अब तालीम कहाँ है, उन्होंने आईटी का वर्ल्ड में वो मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला किया कर रहे हैं, वो सिटीज बना दिया, वो कश्मीर में भी वही कुछ करेंगे जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए कश्मीर मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद, दैट्स ऑल। अच्छा मैं मोहब्बे वतन, अरे मोहब्बे वतन ये नहीं है कि मैं मुसलमान, मैं कोई बात खुद अप्रिशिएट करती हूँ कि मोदी मोहब्बे वतन है, और हमारे हुक्मरानों को गिरेबान में झांकना चाहिए, बिजनेस ना करें, पब्लिक का सोचें, पब्लिक के लिए करें। बेगर हो गए हैं, बेगर हो गए हैं, वो मोहब्बे वतन है, वो कर रहा है, कश्मीर पे भी वो अनकरीब कब्जा कर चुका है, अब बाकी क्या रह गया है। तो आप कश्मीर को ही ना घसीटा करें, अपने मुल्क का भी कुछ ख्याल कर लिया करें, बेहतर करें, हमारी कोशिश है कि ये मुल्क तरक्की, कश्मीर को छोड़ दें आप, वो आगे कश्मीर बात नहीं है, हुक्मरानों के लिए कुछ करें। ये मेरी तरफ से आपको एक टेप है कि यहाँ बेरोजगारी, नौजवानों के लिए रोजगार और महंगाई, मुझे तो आटा ही नहीं मिला वकील साहब, मैं तो बड़ी जगहों पर गया हूँ, मुझे तो नहीं थैला मिला। हाउ वी हैव टू अट्रैक्ट द कश्मीरीज, कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया, बिल्कुल खाया गया, विक्टिम कार्ड भी बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें, फिर ये बात चलती है। वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारे सोसाइटी की रिजिलियंस है, फार्मूला फोर रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं।